वालेकुम सरगुड़ सिटी कोच मंसूर अमजद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जान अवैस, तैयब आरफ और मूसा अजीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट ने नारोवाल के अगेंस्ट 131 रन से मैच को विन किया है, तो तासुरात जानते हैं अजान अवैस से, क्या कहते हैं मैच के मुतालिक आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, अद्भुत अच्छा मैच हुआ हमारा। हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, मॉइस्चर था विकेट पे, हमारी फर्स्ट 25 की पार्टनरशिप लगी अपने से हमारी। उसके बाद आगे मिडिल ऑर्डर में हमारे बैट्समैन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और हम इसको लंबा ले गए। 225 का हमने टारगेट दिया, तो आगे से हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। स्पिन ट्रैक था, हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसमें एक बॉल में 4 आउट किए, एक में 3 आउट किए। तो जो हमें कोच ने प्लान दिया हुआ था हमने उस पर अमल किया और बदला का शुक्रिया था। तैयब आरिफ से बात करते हैं, यंग टैलेंटेड तैयब आरिफ माशाल्लाह से, आज इनका अंडर 19 का फर्स्ट मैच था, और तैयब क्या कहते हैं मैच के मुताबिक? थोड़ा मुश्किल था, जब जैसे स्टे किया पिच पे तो बैट बॉल का इंतजार कर रहे थे, बैट बॉल पे रन नहीं आया और अच्छे बॉल पर रिस्पेक्ट भी, जैसे प्लान किया हुआ था वैसे ही नहीं। तो और इसके साथ साथ इन्होंने आज 2 क्रूशल आउट भी किए, साथ कैच भी किए हैं, बॉलिंग में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो बॉलिंग के मुताबिक आपका क्या हुआ था? बॉलिंग में भी पिच स्पिनर को सपोर्ट कर रहा था, तो बस लाइन पे बॉल किए हैं। वेल डन बेटा। और मूसा ने बड़ी क्रूशियल इनिंग्स के लिए 50 रन किए हैं, पिच के ऊपर बॉल स्पिन कर रहा था जी। मूसा क्या आपका क्या ख्याल था जब आप बैटिंग करने के लिए गए और लेटर ऑन कैसे आपने पिच को असेस किया? बैटिंग करने गए थे तो साथ ये तैयब खेल रहा था, तो इससे ही पूछा था कि ब्रेक हो रहा है कि नहीं, तो ये कह रहा था कि बहुत ब्रेक हो रहा है, तो इसी हिसाब से खेल दगे तो रन हुए, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो इसी हिसाब से खेलते रहे हैं तो यार।